सतोष जी, मैं रोकना चाहूंगा, इस बात को जारी रखेंगे, ये बात सवाल जवाब का जवाब ले लूंगा आपसे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कटिहार के बूथ नंबर 128 129 में ईवीएम में खराबी आई है। ईवीएम में खराबी से मतदाताओं में नाराजगी देखी जा रही है। कंट्रोल रूम को इस बात की जानकारी दे दी गई है। तो बरारी प्रखंड में है बूथ नंबर 128 और 129 जिसका ईवीएम खराब हो चुका है और कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कटिहार से, देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है जहां बूथ नंबर 128 129 की ईवीएम में खराबी की शिकायत मिली है। बिल्कुल, और मॉनिटरिंग करने के लिए जो कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई है। तो 128 129 नंबर बूथ कटिहार के बरारी का, जहां पर ईवीएम खराब हो गया है और उसको लेकर फिलहाल वहां पर मतदान जो है वो बाधित हो गया है और इसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाती है। जो ईवीएम है, दूसरी ईवीएम तैयार रखी जाती है लेकिन उसको पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है और उसको लेकर सूचना कंट्रोल रूम को भेज दी गई है। जल्दी ही ईवीएम वहां पर भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, अब बरारी जो कटिहार का 128 129 नंबर बूथ है वहां पर ईवीएम खराब हो गया है, इसको लेकर यहां पर जानकारी मिल रही है और मतदाताओं में नाराजगी भी देखी जा रही है। हालांकि कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी भेज दी गई है, कंट्रोल रूम की तरफ से आप बता दें कि कंट्रोलिंग की जा रही है और इसके लिए अब इंतजाम भी किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे दें कि ईवीएम खराब हो चुकी है और इसको लेकर के मतदाताओं में नाराजगी है। मतदाता सुबह से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें उनकी देखी जा रही है, इतनी चिलचिलाती धूप में मतदाता जो है वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि ईवीएम खराब हो चुका है। और राजीव संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। और राजीव, क्या रिपोर्ट है और कितनी देर से मतदान बाधित है यहाँ? देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है कि मतदाता वोटिंग तो कर रहे हैं लेकिन ईवीएम मशीन से आवाज नहीं आ रही है, जिसको लेकर वो आक्रोशित हैं कि ये वोट का जो आंकड़ा होगा वो आवाज हमें कानों तक सुनाई देनी चाहिए और इसी को लेकर आक्रोशित है। 128 129 बिल्कुल राजीव, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीप की जो आवाज है, चुनाव आयोग ने भी कहा है कि वो कंफर्म करता है कि आपका वोट पड़ा कि नहीं। अगर आवाज नहीं आ रही है तो इसका मतलब मशीन खराब है। लेकिन जो मतदान केंद्र है वहां पर जो प्रिजाइडिंग अफसर है, जो चुनाव में तैनात है पदाधिकारी, वो बोल रहे हैं कि बीप की आवाज आ रही है लेकिन स्लो आ रही है और इसी दोनों की बकझक हो रही है कि आवाज हमारी कान में नहीं आ रही है और जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे कानों तक आ रही है। दोनों आवाज को लेकर अंतर हो रहा है और इसी को लेकर कंट्रोल को सूचना दी गई है। कंट्रोल के कर्मी वहां पहुंच रहे हैं और ईवीएम मशीन की जांच होगी। ईवीएम मशीन मतदान करा रहा है मतदाताओं से, लेकिन आवाज के हेर फेर को लेकर ये आक्रोश फैला हुआ है जो बरारी विधानसभा क्षेत्र के बरारी। राजीव, क्या पहले से ईवीएम मशीन को लेकर के या बाकी जो चीजें हैं उसको लेकर प्रॉपर इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए थे, तैयारी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से ये तस्वीर अब देखने को मिल रही है? देखिए, जो जानकारी सामने आई है वो ईवीएम मशीन को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया था। सील बंद ईवीएम मतदान केंद्र तक पहुंचाए गए थे और मतदान भी शुरू हुआ था। मतदान होने के आधे घंटे के बाद ऐसा लोगों का, मतदाताओं का कहना था कि ईवीएम मशीन से आवाज नहीं आ रही है, तकनीकी त्रुटि है और पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये ईवीएम मशीन से मतदान हो रहे हैं, सिग्नल बताया जा रहा है, आवाज जो मतदाताओं के कान तक पहुंचने चाहिए वो भी पहुंच रहे हैं लेकिन स्लो है और इसी को लेकर हेर फेर चल रहा है और जिला प्रशासन उस ईवीएम मशीन की जांच करवाने के लिए टीम को भेजा है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे ही मतदान शुरू होता है मैं फिर से बात करते हैं हम लोग आपसे। ऐश्वर्या, ये भी बताता है कि लोग कितने जागरूक हैं, क्योंकि आवाज आ रही है लेकिन स्लो आ रही है। लेकिन सही विरोध किया है कि अगर अच्छी आवाज नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा कि मतदान हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल, और लगातार देखिए राजेश, हम भी अपने दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर वो निकले और मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आएगी लेकिन ये मतदान जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का ये महापर्व है और 5 साल में एक बार, दर्शकों को हम ये बता दें कि 5 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब अपने नेता चुनने की उनकी ये बारी होती है, उनका ये वक्त होता है जब वो अपने मन से अपना नेता यहाँ पर चुन सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, उन्हें भी कहें कि मतदान आज के दिन जरूर करें। और अच्छी खबर ये है कि पहले चरण में जिस तरीके से कम रुझान देखने को मिला था, आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतार मतदान केंद्रों पर दिख रही है। और कटिहार की अगर बात करें, पूर्णिया की बात करें, तो 60% के करीब यहां पर मतदान हुआ था।
तो आज हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आज जो फर्स्ट डिवीजन होता है 60% में, वो फर्स्ट डिवीजन का आंकड़ा पार कर सकता है।